अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। और आज का जो व्लॉग है वो है पिकनिक व्लॉग, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या बनाया, किस तरह से हमारी पिकनिक हुई। कंप्लीट व्लॉग देखिएगा, एंड तक देखिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो हाँ जी, हमारी तरफ गैस का बहुत इशू है, तो हमने 10 बजे से पहले ही सब कुछ रेडी करना था रात में, क्योंकि हमने कोई 4:30 पे सुबह निकलना था पिकनिक के लिए। तो यहाँ पे जनाब भुनावा कीमा बन रहा है, जिसका हमने गोश्त जल्दी डिफ्रॉस्ट किया था, और ये बहुत ही अर्जेंट पे डिसाइड हुई थी पिकनिक, तो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया था। बहुत सारे आइटम हम लेके गए थे और बहुत मज़ा आया था हमें। तो यहाँ ये कीमे की रेसिपी है, जो मैं अलग से भी शेयर कभी करूँगी, लेकिन यहाँ पे हमने जल्दी जल्दी इसको मैरिनेट करके रख दिया था, ताकि एंड में इसको बस चूल्हे पर रखें और इसको हम पका लें। तो मैरिनेट मैं पहले से ही यहाँ पे करके रख रही हूँ इसको, जिसमें मैंने घर के मसाले डाले हैं, और ये तंदूरी पैकेट डाला है एक, और दही है इसमें, प्याज टमाटर इन सब से मैरिनेट, इन सबको मिक्स करके कम से कम मैंने 1 से 2 घंटे के लिए रख दिया था इसको। और हमने क्या क्या बनाया था, हमने बिरयानी बनाई थी, स्पेगेटी बनाई थी, कीमा बनाया था, और भी बहुत कुछ बनाया था यहाँ पे। अच्छा, ये जो क्लिप है वो है जनाब स्पेगेटी की, सब्ज़ियाँ हमने चॉप की थी, और फिर हमने जल्दी जल्दी यहाँ पे स्पेगेटी भी बनानी थी। और ये हमारे पास एक समझ लो टास्क था, क्योंकि हमारी गैस जो है वो 10 बजे चली जाती है, और हमें बहुत जल्दी जल्दी सारे काम करने थे, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम हो गए थे हमारे। वो अलग बात है कि हम थोड़े थक भी गए थे। ये मैं बहुत स्पीड में वैसे दिखा रही हूँ, क्योंकि ये फिर कुकिंग ब्लॉग हो जाएगा नहीं तो। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी मैंने इस पैकेटी का जो सब्ज़ियाँ वगैरह थी वो सब फ्राई करके मसाले में मैरिनेट, और ये फिर स्पेगेटी और मैक्रोनी मिक्स करके मैंने बनाई थी, क्योंकि स्पेगेटी जो थी जब मैंने बॉईल की तो मुझे वो कम लग रही थी, तो मेरे पास उस वक्त मैक्रोनी का एक पैकेट था, वो मैंने वो भी बॉईल करके इसमें मिक्स कर दिया था, और फिर इसको बस धुनी लगानी थी कोयले की, तो वो बस धुनी लगा के हमने रख दिया था। यहाँ पे फिर मैंने सैंडविच रेडी करना स्टार्ट किए, और ये कीमा भी मैंने रख दिया था चूल्हे पे, क्योंकि फिर अब गैस का टाइम, कहते हैं ना कि जब आपका पास टाइम कम हो तो वो हवा की तरह भागता है। चाय भी रेडी करनी थी, और कीमा भी मैंने चूल्हे पे रख दिया था। सैंडविच के लिए मैंने जो सब्ज़ी थी वो चॉप करके बॉयल करने रख दी थी, और यहाँ पर चाय फ़ौरन से रेडी करके हमने थर्मस में सारी फिल कर ली थी, और इसको हमने कपड़े से लपेट लिया था, ताकि हम फिर पिकनिक के लिए ले जाएं। यहाँ सैंडविच असेंबल करने थे, तो यहाँ पे मैं कटिंग वगैरह कर रही हूँ, ये मैंने सबसे लास्ट में काम किया था, और यहाँ पे सैंडविच बन रहे हैं। अच्छा, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो काइंडली सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट करें कि किस तरह की कंटेंट हम अपने और वीडियोस में लेकर आएं। जनाब यहाँ सैंडविच भी रेडी हो गए, और यहाँ पे सारी तैयारी हो गई थी, सब पैकिंग हो गई थी, बस अब गाड़ी का वेट कर रहे थे हम लोग, और बस गाड़ी आई और हमने सब सामान लोड किया, और जनाब हम चल पड़े। और सुबह तो आप लोगों को पता है, जाते सुबह जो आपको ट्रैफिक वगैरह नहीं मिलता, तो हम इसलिए बहुत जल्दी पहुंच भी गए थे ऑक्स पे, और ये पॉइंट हमें बहुत अच्छा मिला था जी। यहाँ से हमने फिर पराठे वगैरह लिए नाश्ते के, और ऑमलेट लिया था, कीमा हम बना के लेके गए थे, बस फिर हम पहुँच गए, सॉरी हम पहुँचे नहीं हैं यहाँ पर हम, और फिर यहाँ पे हम दोबारा पराठे वगैरह लेके हम चल पड़े थे।
अच्छा, दो तीन जगह फिर हम जहाँ रुके हैं वहाँ हम यही समझ रहे थे कि शायद हमारे लिए पॉइंट सही है, ये पॉइंट सही है, वरना पर नहीं, वो पॉइंट सही नहीं था। और फिर फाइनली हमें है, हमारा पॉइंट मिल गया था। हट ये है, हट का ये सारा अंदर का व्यू है, बहुत रीज़नेबल हमें हट भी मिला था, और यहाँ पे बहुत साफ़ पानी था, बहुत इंजॉय किया था हमने। फिर जनाब हम जल्दी जल्दी वापस आके हमने फिर नाश्ता करा, क्योंकि हम सुबह से भूखे ही थे, जिसमें ऑमलेट था, कीमा था, पराठा था। और फिर हम इंजॉय करने के लिए पानी में चले गए। अच्छा, यहाँ दो तीन व्यू बहुत अच्छे थे, और एक तो जो हट की स्ट्रेट्स थी वहाँ तक पानी टकरा रहा था और पानी बहुत चढ़ गया था, और यहाँ पे मेरी पूरी फैमिली बहुत इन्जॉय कर रही थी। ये देखिए, ये दो तीन क्लिप्स मैंने बनाए हैं जहाँ पे पानी, मज़ा आ गया था, बहुत ज़बरदस्त किस्म का वो व्यू था। पर हमने वहाँ पे बहुत से गेम्स भी खेले थे, बहुत सारी पिक्चर कैप्चर की थी, बहुत सारे व्यू अपनी तस्वीरों के बैक पर लिए थे। मेरे हस्बैंड ने हॉर्स राइडिंग भी की थी। और फिर यहाँ पे वक्त हुआ था चाय का, फिर हम सब ने चाय पी और यकीन हम पानी में भाग गए। अच्छा, अगर आपको सी साइड का पानी साफ़ सुथरा मिल जाए तो फिर आपको मज़ा भी और ज़्यादा आता है। तो सेम यहाँ पे वही कंडीशन हुई थी हमारे साथ भी, कि हमें जो पॉइंट मिला था वहाँ का पानी बहुत साफ़ था, वह पानी चढ़ा हुआ था तो और भी मज़ा आ रहा था। हम आगे तक तो नहीं गए थे, लेकिन स्ट्रेस से पानी टकरा रहा था तो पानी खुद हम तक पहुँच रहा था। लाइफ बॉय भी वहाँ पे बैठा हुआ था, तो जो चेकिंग वगैरह कर रहे थे, इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। फिर जनाब हो गया था दोपहर का टाइम, और यहाँ पे हमने फिर बिरयानी लेके गए थे दोपहर के खाने में। और बस ये कुछ क्लिप्स थे, वीडियोस थे जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। फिर जैसे ही पानी ज़्यादा चढ़ने लगा तो फिर हमने शाम में अपनी वापसी भी कर ली थी जल्दी, क्योंकि हम बहुत स्टार्ट से गए हुए थे तो हम थक भी बहुत गए थे। तो यहाँ ये हमारा ये पिकनिक एंड हो रही है, हमने सब पैक वापस कर लिया और फिर हम अपनी गाड़ी की तरफ वापस आ रहे थे बैठने के लिए। और फिर ये हमने सब सामान लोड करके वापसी आ गए।